ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि सर अगर हम प्रोटेक्शन यूज़ करके फिजिकल लेशन बनाए तो क्या वो रेप में आएगा या नहीं। तो यार देखो, मैं तुम्हें कोर कंसेप्ट समझाता हूँ। कोर कंसेप्ट एक होता है ना, मछली देना किसी को, मान लो तुम डेली मछली दे रहे हो, एक होता है तुम उसको मछली पकड़नी सिखा दो ताकि कलेसी खत्म, समझ रहे। तो मैं तुम्हें मछली पकड़नी सिखाता हूँ। देखो, अगर तुम प्रोटेक्शन यूज़ करके करते हो, अगर और उस पर्सन की कंसेंट नहीं है, मान लो लड़का है लड़की है, ठीक है, लड़की की कंसेंट नहीं है, तो तुम प्रोटेक्शन लगा लो या कुछ भी लगा लो और तुम फिर फिजिकल रिलेशन करते हो तो वो रेप में आएगा। ठीक है, सारी बात है कंसेंट की। अगर तुम उसकी बिना मर्जी के फिंगर भी डाल रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, प्राइवेट पार्ट में अगर तुम फिंगर भी इंसर्ट कर रहे हो तो भी वो रेप में आएगा। और बहुत बार क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो लड़का है लड़की है, ठीक है, इनका फिजिकल रिलेशन हुआ लेकिन वो पीक तक नहीं पहुँचे, समझ रहे हो, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरा नहीं हुआ, पूरा इन द सेंस, समझ रहे हो समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। भाई, स्पम निकलने तक या जो भी, समझ रहे हो, वो नहीं हुआ तो क्या वो रेप में आएगा। वो भी रेप में आएगा। इवन आप टच करते हो ना, अपना प्राइवेट पार्ट उसके प्राइवेट पार्ट पे टच करते हो, वो भी रेप में आएगा, भले ही तुमने फिजिकल रिलेशन अच्छे से इंजॉय करा हो या ना करा हो, अगर अनटिल अनलेस उसकी सहमति ना हुई हो तो। ठीक है, समझ रहे हो, जनरली जो रेप केस है ना, वो रेप केस है, जैसे कोई भी रेप केस है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है, कंसेंट थी नहीं थी, ये थी वो थी। ठीक है, समझ रहे हो, अब क्लियर हो गया कंसेप्ट। अगर तुम प्रोटेक्शन यूज़ करते हो और उस लड़की की कंसेंट नहीं है और फिर तुम करते हो तो भाई वो रेप में आएगा। अगर मान लो तुम ऊपर ऊपर से कर रहे हो, जैसे होता है ना भाई बेबी ऊपर ऊपर से करना, वो भी कर रहे हो और उसकी कंसेंट नहीं है लड़की की, तो भी वो रेप में आएगा। तुमने कंसेप्ट सुना हुआ है डिजिटल रेप। डिजिटल रेप का मतलब ही यही है, यानी कि बिना कपड़े उतारे ही ऊपर ऊपर से ज़बरदस्ती करना, वो भी रेप में ही आता है। अभी कंसेप्ट चल रहा है ना डिजिटल रेप, तो उसमें चार्ज लगते जाते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार हमने तो बहुत साल पहले किया था, मेडिकल आएगा नहीं आएगा। तो यार देखो, रेप केस में ना कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट विक्टिम की ही जरूरी है, बस जरूरी नहीं है कि मेडिकल आए है, वो तो बस एक फॉर्मेलिटीज़ होती है। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो भी अभी शायद बैन हो गया, टू फिंगर टेस्ट वगैरह, बस नॉर्मल मेडिकल होता है, नॉर्मल वो भी। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ बोलते हैं जिसको, ये नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ तो पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं है। उसकी जो विक्टिम है ना, उसकी कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट ही काफ़ी है। और हालांकि वो ट्रायल में उसको क्रॉस करते हैं तो सच सामने आ जाता है क्या है क्या नहीं है। अगर लड़की मान लो झूठ बोल के किसी को फंसा रही है ना, तो आगे जब ट्रायल चलता है ना रेप केस में, चार्जशीट पेश होने के बाद जब ट्रायल चलता है तो उसमें लड़की से क्रॉस भी पूछता है, डिफेंस का लॉयर सब कुछ पूछता है, तब वहाँ पर सच्चाई आ जाती है, फिर तब जाके जस्टिस होता है कि हाँ भाई सच है नहीं है। सो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर तुम प्रोटेक्शन यूज़ करके अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो वो रेप में आएगा, अगर मर्जी है तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर तो तुम कुछ भी करो, मर्जी मर्जी से तो तुम गधे का गो खाओ तो भी कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती करोगे ना वो सीन, वो चीज़ गलत है। ठीक है, और मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर तुम अपने पार्टनर के साथ या फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहे हो तो ना उसकी ना कंसेंट ले लिया करो, ठीक है, फ़ोन पे या जो भी, कि भाई आज हमें ये सब करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो ताकि तुम्हें ना एक डिफेंस मिले। ठीक है, थोड़ा तो डिफेंस मिले। ओके, सो आपको आंसर मिल गया होगा कि प्रोटेक्शन यूज़ करके करेंगे तो आएगा, वो रेप में ही आएगा। इवन आप फिंगर भी डालोगे तब भी वो रेप में आएगा। और रेप की डेफिनेशन इधर उधर आ रही होगी, आप देख लेना, ठीक है, उसमें सारा कुछ लिख रहा है ना, तो 375 IPC सर्च करना, उसमें सब आ जाएगा, अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर कंसेंट, और सब नीचे, और नीचे ना एक क्लॉज होगा, उसमें लिखा होगा कि अगर तुम नॉर्मल अपना प्राइवेट पार्ट टच भी करते हो ना तो भी वो रेप में आ जाता है। ठीक है, बेसिक सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी फुलफिल ही हुई हो या नहीं हुई हो। ओके, सो रेप इज़ रेप, सो आई होप इट इज़ क्लियर। तभी कहता हूँ डोंट डिस्ट्रॉय योर गोल फॉर अ होल मैन। बाय।